अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज तहज्जुद पढ़ने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप। एक भी स्टेप मिस मत करिएगा वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वक्त की बात करें तो ईशा की नमाज के बाद फजर की अजान होने तक एक नींद निकाल कर आपको ये नमाज पढ़नी है। एक नींद का मतलब है अगर आप एक जबकि भी ले लेते हैं तो आपकी नींद मुकम्मल हो गई। रकात की बात करें, दो रकात से लेकर आठ रकात तक आपको ये नमाज पढ़नी है, लेकिन ये नमाज आपको दो दो रकात करके ही पढ़नी है। चाहे आप दो रकात पढ़ें, चार पढ़ें, आठ पढ़ें, लेकिन पढ़ना आपको दो दो रकात करके ही है। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने दो रकात नमाज तहज्जुद की नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुक मेरा काबाई शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अपने हाथ कानों तक उठाकर नियत बांध लेंगे, सना पढ़ें, सुबहाना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। इसके बाद सूरह फातिहा एक बार पढ़ें, कुरान की आयत जितनी आपको याद हो पढ़ सकते हो पढ़ें, रकत को लंबी करें, फिर आम नमाज की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करके अपनी रकात को कम्प्लीट करें। दूसरे रकात में सना नहीं पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ें, रकात को लंबा करें, फिर वापस आम नमाज की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठ जाएं। कायदे में एक बार अतियात पढ़ें, एक बार दरुद इब्राहिम पढ़ें, एक बार दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज को कम्प्लीट करें। यह हो गई आपकी दो रकात नमाज तहज्जुद कम्प्लीट। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह से पढ़ें, पढ़ने का तरीका यही है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है प्यारे हबीब के सदके उन सब की दुआओं को कबूल फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन।